हर इब्तदा है तेरे ही नाम तक, हर इब्तदा है तेरी हमको सर अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है।
ससुरी आंख की रोशनी दिल की आवाज दो समाज से सुनेगा क्यों पिया इब्ने हैदर ने जाओ में फाना खाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों भाना रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज के इस बाबरकत दिन का हमने आगाज़ किया
शहजाद संतू खान कवाल पार्टी के साथ, और ख़ान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए सुबह सुबह वक्त निकाला, बहुत बहुत उनका शुक्रिया। और जैसे ही उन्होंने कलाम पढ़ना रोका तो हम सब के मुँह से सुभान अल्लाह निकला, एंड नो डाउट बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में कलाम पेश किया हमारे भाई ने। उनके साथ हमें जिन म्यूजिशंस ने भी ज्वाइन किया है, हमारे बहुत ही प्यारे भाई क्रिस्टोफर भाई हैं गिटार पे, सोहेब भाई हैं कीबोर्ड पे, राजू हैं ढोलक पे, और मोहसिन भाई हैं ड्रम्स पे हमारे साथ, उनको भी वेलकम करेंगे शो पे। एंड नाउ व्यूअर्स, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं, हमारे आपके हम सब के बहुत ही प्यारे डॉक्टर अली वक़ार कादरी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि माशाल्लाह मेरे भाई की PhD भी कंप्लीट हो गई है, एंड जब हम लास्ट ईयर रमज़ान ट्रांसमिशन साथ कर रहे थे तो आप बड़ी वो जो कहते हैं ना एफ़र्ट्स कर रहे थे और अपनी PhD के लिए सारा अपना काम कम्प्लीट कर रहे थे, अब माशाल्लाह नाम के साथ जब डॉक्टर अली वक़ार कादरी लगता है, जो एक वेल नोन इस्लामिक स्कॉलर हैं, बेहतरीन होस्ट भी हैं इन इज़ ओन राइट, आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तो भाई कहने के बजाय मुझे डॉक्टर साहब कहना चाहिए। नहीं, भाई बेहतर है। अली भाई, आज के टॉपिक पे बात करने से पहले ऑफ कोर्स दो और बहुत ही प्यारी पर्सनालिटीज़ जिनको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, फातिमा चिश्ती साहिबा हमारे साथ हैं, एक बहुत ही बेहतरीन नातख्वां सनाख्वां हैं, और शी इज़ अ ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट एज़ वेल, हमारे शो का रेगुलर हिस्सा रहती हैं। वैसे तो बहुत सी चीज़ें इनके क्रेडिट को जाती हैं, लेकिन आज़म चिश्ती साहब की ये पोती हैं, ये आई थिंक सबसे एक ऑनर वाली बात है। बिल्कुल। सो वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन शेरी खान हमारे साथ हैं, मॉर्निंग विद जुगन का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम हिस्सा, और आप ख़ुद भी बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत कलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेरी। वालेकुम सलाम। तो आज हमने कहा कि देखें बाकी सब चीज़ें तो दुनियावी हम करते ही रहते हैं, जी जी बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ताला की तारीफ़ में कुछ पेश करना, उनके नबी पाक की तारीफ़ में कुछ पेश करना, इससे बड़ा ऑनर कोई नहीं हो सकता। जी नो डाउट, बिल्कुल सही। आज का दिन देखें, अक्सर लोग कहते हैं अली भाई के दुआ जो है वो किस्मतें बदल देती है, बलाएं टाल देती है, ये जुम्मे के रोज़ के मुनासबत से लोग कहते हैं कि जुम्मे के रोज़ एक ऐसा लम्हा ज़रूर गुजरता है जब दिल से मांगी हुई दुआ कबूल होती है, वैसे तो कबूलियत का कोई भी वक्त होता है, तो दुआ के बारे में आप हमें क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, A+ की पूरी टीम का, अहमद अली हाशमी साहब का और हमारे दोस्त नईम साहब का, आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। दुआ देखिए बुनियादी तौर पे ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, हमारे यहाँ एक मसला ये है कि हम हर शेय एंटीक रिलीजियस पैराडाइम में लेके उसकी पूरी शक्ल बिगाड़ देते हैं। अच्छा, अब इसको समझाएं। अब मैं ये बताता हूँ, उसकी वजह यह है कि दुआ कोई ऐसी शेय नहीं है कि कोई बड़ा ही मजहबी बंदा और बड़ा ही नेक बंदा करेगा, ये एक ताल्लुक़ का नाम है जो बंदे का अल्लाह के साथ कायम होता है, वो खलवत में भी हो सकता है, जलवत में भी हो सकता है, चलते फिरते भी हो सकता है। अच्छा, अब डिमांड क्या है? डिमांड सिर्फ इतनी है, अल्लाह ये चाहता है कि ये ताल्लुक बना रहे, और वो नाराज़गी का इज़हार करता है और वो कहता है कि अगर बंदा मुझसे नहीं मांगेगा, दुआ नहीं मांगेगा तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। और बाज़ जगहों पर अल्लाह ने इसको कुरान में तकब्बुर से ताबीर किया कि जो दुआ नहीं मांगते कहीं वो तकब्बुर तो नहीं कर रही, माँ देने वाला तो मैं हूँ तो मुझसे मांगा करो। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कुरान मजीद में दुआ के हवाले से आई है, और हमारा जो मुआशरा है वो एक तरफ चल रहा है और हमारे इस्लाम यूँ मुखालिफ सिमत में हम जा रहे हैं। कुरान ये कहता है वैज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, हजूर से फरमाया कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनको बता दें कि मैं उनके बहुत करीब हूँ, उनको डराना नहीं है, उनको धमकाना नहीं है, उनको ये नहीं कहना भाई तुमने तो ये गुनाह किए थे तुम अल्लाह का पूछते हो, वो अगर पूछे तो उन्हें ये नहीं कहना अच्छा 700 चूहे खा के बिल्ली हज को चली आज तुझे अल्लाह याद आ गया, नहीं ये बातें नहीं है। जबकि ये सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि हुन बड़ा याद आ गया, हुन बड़ा याद आ गया, हुन फंस गया ना किसी मसले, तो ये गलत बात है। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा ऐ महबूब आपसे पूछे तो उन्हें कहें मैं बिल्कुल करीब हूँ, फिर आगे फरमाया उससे कहें कि वो मुझे पुकारे, फल यस्तजीबू ली, तो मैं तो बैठा हूँ उसकी पुकार सुनने। लेकिन अगर अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं, रब ताला अगर जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है और हमें क्या चाहिए, तो फिर मांगना क्यों ज़रूरी है? मांगना इसके पीछे क्या फिलॉसफी है? मांगने पीछे देखें दो तीन बातें, माँ को पता होता है कि बच्चे का कब फीडिंग का टाइम है, उसको कब दूध देना है, लेकिन जैसे ही वो रोता है
आप देखिए पहले जो उसके जहन में तसव्वुर था पिलाने का और जो बाद में तसव्वुर था वो कैसे बढ़ जाता है। और दूसरा मैंने बता दिया कि दुआ बुनियादी तौर पे एक ताल्लुक है। देखिए जो अल्लाह से नहीं मांगते क्या अल्लाह उनको रिज्क नहीं दे रहा? अल्लाह के मुनकर हैं, मुलहिद हैं, एथीस्ट हैं, वो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रही हैं, उन पर बारिशें भी होती हैं, उन पर अल्लाह की रहमत भी होती है, तो अल्लाह इससे बेनियाज है। लेकिन वो ये चाहता है कि जो अब मेरे दायरे कार में आ गए हैं और मेरे दीन के फॉलोअर्स हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐड हो ना, रिस्क तो उनको भी मिल रहा है, तो ये मांगें और ये अपना ताल्लुक बनाएं। तो बुनियादी तौर पे दुआ का मतलब ये है, हम 5 दफ़ा नमाजें क्यों पढ़ते हैं? पता मैं यही एक इसी की तरफ आना चाह रही थी कि अली भाई दुआ अगर क्या दुआ सिर्फ नमाज के बाद ही कबूल होती है या मांगनी चाहिए, या दुआ किसी भी वक्त मांग सकते हैं? लोग अक्सर कहते हैं जब आप नमाज पढ़ेंगे तो जब दुआ करेंगे तो जरूर हमारे लिए दुआ करना। दुआ का कोई मखसूस टाइम नहीं, दुआ का कोई मखसूस टाइम नहीं है, दुआ के कोई मखसूस अल्फाज नहीं है, दुआ की कोई मखसूस हैत और कैफियत नहीं है। आप यूं करके मांगेंगे, आप यूं करके मांगेंगे, आप हाथ छोड़ के मांगेंगे, आप दिल में मांगेंगे, दुआ तो दुआ है। दुआ बुनियादी तौर पर दुआ और नीयत का बड़ा आपस का गहरा ताल्लुक है। ये एक अंदर की तलब है जो दिलों के हाल जानने वाला जान रहा होता है कि हाथ उठे बगैर भी दुआ होती है। ज़रूरी नहीं है दुआ हाथ उठा के मांगी जाए, ज़रूरी नहीं है कि दुआ नमाज के बाद ही मांगी जाए। दुआ किसी भी वक्त चलते फिरते किसी भी चीज़ का आप अल्लाह के साथ, देखिए कुछ चीज़ें हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में है ना, तो अल्लाह भी तो हमारा खालिक है, वो भी जानता है कि इनके साथ कुछ मटीरियलिस्टिक्स इनके कंसर्न्स इसको अटैच करूँगा तो ये जल्दी मेरी तरफ रागिब होंगे। ठीक है, असल तो वो चाहता है कि ये सर मुझसे मेरी रज़ा मांगे, लेकिन उसने साथ कई मटीरियलिस्टिक चीज़ें मांगने का हुक्म ऐसे दे दिया कि चलो मुझसे जुड़ना मकसूद है, किसी चीज़ के ज़रिए ही जुड़ जाएँ, किसी वास्ते के ज़रिए ही जुड़ जाएँ, किसी तलब के ज़रिए ही जुड़ जाएँ। हम रिस्क भी मांगते हैं, औलाद भी मांगते हैं, दुनिया में इज़्ज़त नाम मर्तबा सब कुछ मांगते हैं। वो कहता है सब कुछ मांगो, लेकिन मद्देनज़र ये रहे कि इन सब मांगने का मकसूद ये है कि मेरे साथ ताल्लुक जो है वो जुड़ा रहे, ताल्लुक कायम रहे। रिसाला कुशैरिया में ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई, आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करके अल्लाह ने फरमाया कि आदम मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरी दहलीज पे बैठा रहे और अपना रुख मेरी तरफ रखे। ये बड़ा अहम बात है कि अल्लाह की बंदे से मोहब्बत क्या है। फिर अल्लाह फरमाता है कि अच्छा अगर तू मेरी दहलीज से चला जाए तो बेशक दूर चला जा लेकिन अपना चेहरा मेरी तरफ रखना ताकि तू मुझे देखे और मैं तुझे देखूँ। अच्छा अगर फिर दुनिया इतनी मसरूफ़ कर दे कि तेरा चेहरा भी दूसरी तरफ फिर जाए और ख़ुद भी दूर हो जाए तो फिर कम अज़ कम मुझे अपने ध्यान में ज़रूर रखना, और फिर तू इतना मसरूफ़ हो जाए कि ध्यान में भी ना रख सके तो फिर कम अज़ कम जब किसी मुश्किल में फंसना मेरी दरगाह पे मेरी बारगाह में वापस आना मैं तेरा मुंतज़िर बैठा हूँगा और तू ये अपना मुंतज़िर पाएगा। तो ये वाक़ हमें ये बताता है, ये रिवायत हमें ये बताती है कि वो हर हाल में ये चाहता है कि ताल्लुक बनाए थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखें ना दिन में 5 दफ़ा आप एक बंदे से मिलें तो आपके उससे ताल्लुक़ की दोस्ती की यारी की क्या लेवल क्या होगा आप अंदाज़ा कर लें। हमें ये देखना है कि क्या हमारा वो लेवल है कि नहीं है। हम नमाज़ें पढ़ के बाज़ुकात उस लेवल पे नहीं आते। ठीक है, ये चीज़ ये होती है, ये बातिन का और इखलास का ताल्लुक है। पूरी नमाज आप पढ़ने फ़र्ज अदा हो जाएगा लेकिन अगर आप अंदर से थोड़ी देर मुतवज्जे उसकी तरफ नहीं हुए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दुआ का, अगर अंदर से मुतवज्जे नहीं हुए तो नमाज का फ़र्ज़ ज़रूर अदा हो गया लेकिन हक़ अदा नहीं हुआ। फ़र्ज़ और हक़ में ये फ़र्क है, तो हक़ ये है कि उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ जाए। एक आम आशिक और माशूक के ताल्लुक में कोई गैरियत हम बर्दाश्त नहीं करते तो वो कहता है कि जब 10 मिनट के लिए आके वुजू करके अर्शा छोड़ के मेरे पास, तो यार अब 10 मिनट जाना तो है कहीं नहीं, कर तो कुछ सकते नहीं, तो वो 8-10 मिनट क्यों, जिस्म तो मौजूद है, तवज्जो भी क्यों ना मौजूद कर ली जाए। वो अगर मौजूद कर ली जाए तो वो फिर खैर के दरवाजे खुलते हैं। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फातिमा जी आपसे कलाम सुनते हुए आएंगे और इस सवाल का जवाब लेंगे कि हम दुआ करते हैं, हम मिन्नतें करते हैं, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि रब ताला ये हमारी दुआ कबूल कर लें, हमने जो आपसे रिक्वेस्ट की है, फरमाइश की है या इल्तजा की है, लेकिन जब वो दुआ कबूल नहीं होती फॉर सम रीज़न, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है? अक्सर लोग कहते हैं हमने तो बड़ी दुआएँ की लेकिन हमारी दुआ नहीं कबूल हुई, ये ऐसा क्यों होता है? और अगर आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो फिर उसके इवज़ फिर क्या होता है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। रहो जय
मुनावर है ये दिल इसके अंदर कोई महताब छुपा हो जैसे इसके अंदर कोई महताब छुपा हो जैसे गुंबदे सब्ज है यूं ज़हन में कोई नया फूल खिला हो जैसे इसके अंदर कोई महता अनगिनत सदियों से मसरूफे सना मसरूफ़े सना आज़म इस खातिर मुझे तख़लीक़ किया हो जैसे इस तख़लीक किया हो जैसे यूं मुनावर है ये दिल बहुत ही खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। जी अरे भाई, हमने ब्रेक से पहले एक सवाल सबके जहनों में छोड़ा और ख़ुद भी ऑफ कोर्स मेरे जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि कुछ दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, और अगर वो नहीं होती तो फिर उसकी जगह क्या होता है? फिर इसकी चार वजूहात हैं जो दुआएँ कबूल नहीं होती। एक वजह तो यह है, और ये चारों वजूहात अहादीस में और कुरान मजीद में दो तीन और अहादीस में सब मौजूद हैं। एक वजह तो ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी बंदे का पुकारना इतना पसंद आ जाता है कि वो बार बार पुकारा जाना इसको सुनना चाहता है कि मेरा बंदा मुझे पुकारता रहे,
और वो इसलिए अता नहीं करता कि अगर अता कर दिया तो ये पुकारना तो बंद हो जाएगा। तो हर दफ़ा कबूल ना होना नाराज़गी की अलामत नहीं होता, बाज़ दफ़ा दुआ का कबूल ना होना मोहब्बत इलाही की अलामत भी होता है। ओके, ताकि अल्लाह चाहता है कि बंदा उससे जुड़ा रहे। दूसरी वजह ये होती है कि वो बंदा जब जिस वक्त जो चाह रहा है उस वक्त वो होना बंदा समझ रहा है उसके फ़ायदे में, लेकिन अल्लाह के इल्म में वो उसके लिए मुफीद नहीं होता। तो अल्लाह उसकी दुआ को मुअख्खर करके वो तलब जिस वक्त उसको देना मुफीद होता है उस वक्त तक के लिए टाल देता है, और आर्जी तौर पे बंदा ये समझ लेता है कि दुआ कबूल नहीं हुई, जबकि दुआ कबूल हुई होती है लेकिन अल्लाह ने उसका वक्त अपने इल्म के तहत बदल दिया होता है। ठीक है। तीसरी चीज़ यह है कि अगर ज़िंदगी ख़त्म हो गई और कई दुआएँ कबूल नहीं हुई, मसलन कई लोग जो बे औलाद होते हैं, अगर अल्लाह उन्हें औलाद नहीं देता, ज़ाहिर हर वक्त वो मांगते होंगे, ज़िंदगी गुजर गई अल्लाह के हजूर पेश हो गए, तो फिर हदीस पाक में है कि जब क़यामत का रोज़ आएगा तो उनकी तमाम दुआएं मोमिनीन की जो उन्होंने मांगी और दुनिया में अल्लाह ने वो कबूल नहीं की, उन दुआओं का अजर दिया जाएगा, और ऐसा अजर मिलेगा कि जिनकी दुआएं कबूल हुई हैं वो गिड़गिड़ा के वहाँ क़यामत के दिन कहेंगे कि काश हमारी जिल्द को कैंचियों से कुतर दिया जाता और हमारी कोई दुआ कबूल ना की जाती, इस कदर अजर आज उनको मिल रहा है, उनकी दुआएं अल्लाह ने महफूज कर ली। चौथी जो आखिरी वजह है वो यह है कि इंसान की अपनी बद आमालियाँ, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने हमारे आमाल से कनेक्ट करके रखी, इस्लाम बड़ा रियलिस्टिक दीन है, कनेक्ट करके रखी है, समझ आइए। मसलन माँ बाप बच्चे की परवरिश करते हैं, एक हद तक समझाते समझाते हैं, जब एक लिमिट बड़ा हो जाता है 20-25-30 साल का, फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करें तो वो कहते हैं जी हमारा फ़र्ज अदा हो गया, ज़ाहिर है वो खुद ज़िम्मेदार है ना, वो खुद देनेदार है। तो अल्लाह भी यही फरमाता है कि अल्लाह फरमाता है कि अब मैंने अहकामात की सारी खिला, अल्लाह फरमाता है जो कबायर करता रहेगा कबीरा गुना और उस पर डटा रहेगा मैं उसका रिस्क भी तंग करूँगा, और अल्लाह फरमाता है जो नेक अमाल करेगा और गुनाहों से तौबा कर लेगा मैं उसका रिस्क भी बढ़ाऊँगा और उसकी उम्र में भी इजाफा करूँगा। फिर अल्लाह फरमाता है जो रिश्तेदारों से काटेगा मैं उसका रिस्क काटूँगा, जो रिश्तेदारों से उनको अता करेगा मैं उसको अता करूँगा। तो कुछ चीज़ें इस तरह आमाल सालिया के साथ जुड़ी हुई हैं कुछ दुआएँ, तो गोया चार हिस्से हो गए। एक इसलिए कबूल नहीं होती खुलासा कि अल्लाह चाहता है कि बंदा मांगता रहे, दूसरी इसलिए कबूल नहीं होती कि अल्लाह चाहता है कि उसको एक वक्त के लिए टाल देते हैं, एक वक्त के लिए टाल देते हैं, मगर वो मिल जाता है। तीसरी इसलिए कबूल नहीं होती कि वो आखिरत में उनका इतना अजर मिलता है कि वो कमियां पूरी हो जाती, और चौथी हमारी बात बदामालियों की वजह से उनको अल्लाह कबूल नहीं करता बतौर सजा। अच्छा, अब एक चीज दुआ की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन बददुआ, कुछ लोगों को इतनी आदत होती है लोगों को बदवाएँ देने की, अल्लाह माफ़ी दे, कभी कभी कोई आपकी खिड़की पे जैसे कोई फ़कीर आ जाता है और खटखटाता है, पैसे नहीं होते या किसी वजह से आप नहीं दे पाते, कभी कभी नहीं भी होते आपके पास पैसे हैंडओवर करने के लिए, तो ऐसी ऐसी बदवाएँ निकालते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है, तो क्या अल्लाह ताला बदवा सुनते हैं? और दूसरी बात, जो बदवा देता है उसके लिए क्या कहा गया है? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है, ये गलत फहमी है, इसको दूर कर लीजिए। दुआ और बददुआ का एक ही बुनियादी मफहूम है। दुआ ये नहीं है कि मैंने बताया अर्ज़ की कि आप यूं करके ऊंचा ऊंचा मांगते रहें या ख़ास वज़ा कता में मांगते रहें, वो नहीं कब, जब वो अंदर से निकलेगी, वो वज़ा कता के दौरान निकले या उसके बगैर निकले, वो कबूल होगी। बददुआ का भी यही मामला है, ये नहीं है कि एक बंदा अपने मतलब के लिए आया या कोई फ़कीर आया, उसने कुछ मांगा आपने नहीं दिया, आपकी आपने उस पर कोई जुल्म नहीं किया, बुनियादी चीज़ जुल्म है, अगर आपने उस पर कोई ज़्यादती नहीं की और वो मजबूर नहीं है कि आप, वो आप ताकत में है, वो कमज़ोर है, आपको कुछ कह नहीं सकता, तो उस सूरत में बद दुआ होगी जो दिल से निकलेगी। ये बद दुआएँ नहीं है कि आपने किसी को कुछ दिया नहीं या आपके दरमियान थोड़ा इख्तलाफ हो गया, रिश्तेदारों में लड़ाई हो गई और एक औरत खड़ी होगी जी अल्लाह तैनू ये कर दे, वो ऐसे कुछ नहीं होता, ये फजूलियात है। ये क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक चीज़ अपनी आंखों से विटनेस की, एक खातून जो है ना वो ऊंचा होता है ना, मैं गाड़ी में थी तो उनकी खिड़की के ना खिड़कियाँ खुली हुई थी राजे की, तो वो आगे से ना इस बंदे को कह रहे थे, वो पता नहीं कौन था वो जो साथ बैठा हुआ था, कोई रिश्तेदार था क्या था, खातून का कहती तू गर्क हो जाए, तेरे बच्चे गर्क, अल्लाह माफ़ी दे तो बस तखबार मेरे मुँह खाक, तेरे बच्चे गर्क हो जाए, तू अपनी पत्नी माँ का मरा हुआ वो देखे, ऐसी ऐसी वो बातें खातून उस बंदे को कह रही थी और एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे, वो पता नहीं उनका क्या ताल्लुक था क्या नहीं था, लेकिन मैं बहुत जैसे आपकी रूह निकाँप जाती कि कोई किसी की माँ को कैसे बदवा दे सकता है, किसी की औलाद को कैसे बदवा दे सकता है, माँ तो सबकी सांझी होती है, औलाद भी सबके सांझी होती है। इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब, तो जो बदवा देता है और जो बार बार बुरे अल्फाज मुँह से निकालता है दूसरों के लिए, उसके बारे में क्या कहा है, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़, बट इस लेवल की बातें कहना, किसी को सुनाना ऊँचा ऊँचा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन
आएंगे हम जब हमारे साथ हमारे इतने प्यारे प्यारे भाई हैं, तो खान साहब से कवाली सुनते हुए वापस आएंगे। खुशबू तेरी मुए करम
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. सुभान अल्लाह, जज़ाकअल्लाह. क्या खूबसूरत कलाम पेश किया हमारे भाइयों ने ब्रेक से पहले. व्यूअर्स, अब जो सवाल पूछा था कि जो लोग बददुआएं बहुत देते हैं और हर वक्त मुंह से कोई नेगेटिव बात निकालते रहते हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे. बुनियादी तौर पर तो ये उनकी शख्सियत की खामी है. आपको हमेशा अच्छे कलाम का और अखलाक से पेश आने का कहा गया, और अखलाक का मुजाहरा
ज़रूरी होता ही उस वक्त है जब आप किसी गुस्से में हों, किसी डिप्रेशन में हों, किसी की तरफ आप ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हों, तो उसी वक्त तो आपको इखलाक का मुजाहरा करना होता है, वरना आम हालात में कौन बोलता है या कौन गुस्से होता नहीं होता। तो जब ख़ास वक्त होते हैं तो आपको उस वक्त ख़ास वक्तों में आपको अखलाकियात का मुजाहरा करना है, और हम ख़ास वक्तों में ही अखलाकियात का मुजाहरा नहीं करते। भाई कुछ घर के बड़े ऐसे भी तो होते हैं ना, तू गरक हो जा, तू तेरा बेड़ा गरक हो जाए, बातें इस तरह ना कोई गरक होता ना बेड़ा नहीं कहना चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, ये तो बद अखलाकी और बदगोई है। हुज़ूर ने फरमाया कि बुरे तरीन जो क़यामत के दिन सबसे भारी आमाल होंगे और जिनको हल्का समझा जाता है उनमें से एक बदगोई है। हुस्न अखलाक की फिर क्या अहमियत है? हुस्न अखलाक की ये अहमियत है कि आप किसी बंदे के साथ अगर आपकी उससे आपकी हाजत वाबस्ता है तो उसकी ज़रूरत पूरी कर दें, ये अखलाक का आला दर्जा। अगर आप उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो उसको तसल्ली दे दें, ये उसका दूसरा निचला दर्जा। और अगर उससे भी नहीं पूरा कर सकते, तसल्ली भी नहीं दे सकते, तो उसको मुस्कुरा के मिल जाएँ, और हदीस में है कि मुस्कुरा के मिलना भी हुस्न अखलाक का एक दर्जा है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका पूरा का पूरा वजूद वो अगर बायस खैर नहीं बन सकता तो वो बायस शर ना हो, ये है कुल अखलाक, ठीक है ना। हजूर से पूछा गया अब हमारे यहाँ कितने मेयार हैं, पता नहीं क्या क्या लोगों ने दीन को समझ लिया, बुखारी मुस्लिम दोनों में पूछा गया कि या रसूलल्लाह बेहतरीन मुसलमान कौन है? अब ये आप नहीं बता रहे, मैं नहीं बता रहा, हमारी तो तारीफ़ें नाकिस हो सकती हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, जो लोगों के लिए जितना मुफीद है वो उतना अच्छा अल्लाह की नज़र में मोमिन है, और जो लोगों के लिए मुफीद नहीं है समझ लें उसका दर्जा उतना कम होता जा रहा है, और जो लोगों के लिए ज़र्र और नुकसान का बायस बन जाए वो फिर दर्जा ईमान में देखें कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अच्छा बड़ी दफ़ा सुनती आ रही हूँ बचपन से ही, अल्लाह की कसम ये अल्लाह की कसम वो, कोई बात होती है तो लोग कहते हैं लाओ जी मैं कुरान पे हाथ रखवा लो, कुरान उठा लो। थोड़ा सा मैं इस पर भी आपसे वजाहत चाहूँगी क्योंकि अली भाई ये बहुत कॉमन हो गया, और अल्लाह माफ़ी दे बड़ी दफ़ा लोग झूठ बोलते हुए भी कह देते हैं अल्लाह की कसम, तो कसम के बारे में बताएं। यह कसम दो किस्म की होती हैं, इनको यमीन अरबी में कहते हैं, एक वो होती हैं जिनको जो सही नीयत से बंदा किसी बात को पुख्ता करने के लिए उठाता है, और एक वो होती है जो एम ही हमारे यहाँ हर बात पे कई लोगों का तकिए कलाम होता है कसम, अल्लाह की कसम वो तो ऐसे अल्लाह की कसम, तो हाँ, मैं कहती हूँ यार मतलब ये सख्त गुनाह की बात है, ऐसा ये हराम, डोंट टेक योर लॉर्ड्स नेम इन वेन, बिल्कुल ये बिल्कुल हराम है। वो सिर्फ इजाजत है अल्लाह की या कुरान की, और वो है किसी आखिरी मामले में आपने किसी की जान बचानी हो या आपने किसी बड़े दर्जे का कोई अच्छा काम करना हो और वहाँ नागुजीर सूरत हो जाए तो वहाँ आप पर इजाज़त है, ज़रूरी नहीं है या हुक्म नहीं है, इजाज़त है कि आप ये कसम उठा के मामले में शिद्दत और ताकीद और अपनी बात में वज़न पैदा करें। और कस्मों ये जो हम छोटी छोटी कस्में करते हैं ना, इसका जब कफारे देने पड़ेंगे ना आखिरत में लग पता जाएगा, एक्सप्लेन करेंगे। एक कसम का जो आप पूरी नहीं करते उसका कफ़ारा है अल्लाह के नाम की उठाई जाए या कुरान मजीद के नाम की उठाई जाए, उसका कफ़ारा। अगर तो झूठी उठा रहे हैं तो अज़ाब को दावत दे रहे हैं, मुंतज़िर रहें, अल्लाह मालिक है किस वक्त अज़ाब नाजिल करता है और किस सूरत में उसकी कसम है, तुम्हें उसकी कसम है, तुम्हें मतलब जी हाँ खाओ अपने बच्चे की सर पे हाथ, छोटी बात माफी दे, मतलब बिल्कुल। अच्छा दूसरी ये है कि जब इसका कफारा सुन लें, कसम का कफारा 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाना कसम का कफारा है। अब कसमें गिन लें और कफारे पूरे करते जाएं तो कितना हो जाए, 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाना या एक मस्कीन को 10 दिन 2 वक्त का खाना खिलाना, ये एक कसम का कफारा होगा, समझ आई है। तो अब हमारे यहाँ कसम उठाते हैं, एक मिनट जो बचपन में इस तरह की, क्योंकि देखे ना बचपन में तो हम लोग भी टीचरों के सामने अल्लाह की कसम होमवर्क किया था लेकिन नहीं किया होता, मैं वैसे एक क्लैरिटी मांग रही हूँ, मतलब ये किस स्टेज पे आपके ऊपर होता है, क्योंकि बचपन में तो बड़ी स्टूपिड स्टूपिड हमने हरकतें की हुई हैं। पहली बात यह आप अकल बाले हो उस वक्त की बात है, आपको शऊर हो, शऊर के दौर के बाद की हर बात के आप जवाब दें, वो आप पर है कि आपने कितनी नेगलिजेंस में बात की या कितनी समझदारी से बात की। इसमें ये देखे ना शर्त है, जब आप बालिग हो गए 12 साल से उम्र आगे गए, आपने नमाज पढ़नी नहीं पढ़ रहे तो पिछली सारी नमाजों का हिसाब है कफारा, पढ़ें हर अभी अल्लाह ने ज़िंदगी दे रखी है, जितनी कज़ा हुई हैं हिसाब लगाएं, जितने साल छोड़ी हैं उतने साल हर नमाज के साथ एक पढ़ें, तब लोग वेट करते हैं कि 70-80 साल के हो जाएं तो तब हमारे पास। और हमारे यहाँ ना एक शॉर्टकट्स निकला हुआ है, कज़ा उम्री बिल्कुल जहालत है, कुछ भी नहीं है। कज़ा उम्री क्या है जी, 4 रकतें पढ़े रमज़ान में और जी सारी उम्र की कज़ाएँ अदा, ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। ये कोई बुद्ध मत में होता होगा, हिंदू मत में होता होगा, इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। ये वो वाली बात है ना कि आपने 100 रुपये देने हैं किसी के और आपने और 1 रुपये दे के कहें कि यार हमारा हिसाब बराबर हो गया, हिसाब तो हिसाब है ना। एक बंदा 40 साल सर्दियों में रातों को जाके गर्मियों में वजू करके और नमाज की तकलीफ बर्दाश्त करता रहा,
अकल कहती है कि वो इसके बराबर हो सके जो चार रकतें पढ़ ले 20 साल बाद, कमाल की बात है, कैसे हो सकते हैं। तो लिहाजा हर, इसलिए इकबाल ने कहा था, मेरी PhD भी इकबाल पे, इकबाल कहता है ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, यानी आप काफिर हैं, आपने कलमा पढ़ लिया तो क्या वो एक जुमला ला इला इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह आपको इतनी चीज़ों का हकदार बना देगा? ये गलत फहमियाँ हैं। उस एक जुमले के जो तकाजे हैं आपने वो बरूए कार लाने हैं, ला इला इल्ला मतलब कि अल्लाह के अलावा आप कोई दिल में दिमाग में नहीं बसेगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह हर काम करते हुए सुन्नत रसूल को सामने रखूँगा, ये दो अहद हैं। अगर आप इनको नहीं रखते तो आप 100 दफ़ा कलमा पढ़ते रहें, ठीक है आप टेक्निकल स्पीकिंग मुसलमान हो गए, अपना अजाब भुगत के जहन्नुम में बदअमलियों का आप जन्नत में जाएंगे। मैंने अब आपसे नियत के बारे में पूछना है, मगर नियत के बारे में बात करने से पहले कलाम की तरफ जाना चाहेंगे। शेरी जी, 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 अच्छा कलाम सुन के हमारी नियतें भी अच्छी हो। लाई मैं उचया नाल यारी वे, लाई मैं उचया नाल यारी वे, मैं हानी वा मुर्शद मेरा उच्चा वे, मैं हानी वा मुर्शद मेरा उच्चा वे, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हमारी गुफ्तगू का जो फाइनल हिस्सा है वो हमने नियत पे डिस्कशन करनी थी, अमलों का दारो मदार नियतों पर है। जी अली भाई, बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। नियत वो 2-3-4 पिलर्स और सतून हैं जिस पर आपकी छत खड़ी होती है अमलों की, आमाल की। अगर वो पिलर ना हो तो छत आप जितनी मर्जी वजनी बना लें, जितने उसके लिए इंतज़ाम कर लें, वो खड़ी नहीं हो सकती। हदीस है जिसका आपने इब्तदाई हिस्सा पढ़ दिया,
انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و مدار اعمال پر ہے۔ اچھا، اس سے اگلا حصہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، وہ حصہ بتاتا ہے کہ نیت کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ اسی سورہ صحیح بخاری میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر عمل کا اجر، یہ بڑی اہم بات ہے، ہر عمل کا اجر اس کی نیت پر ہے، پرفارمنس پر نہیں ہے۔ نہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کچھ کام کرتے ہیں، نیت آپ کی بڑی اچھی ہوتی ہے، کام غلط ہوتا ہے، لیکن کام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور اگلے بھی آپ کو دھتکار رہے ہوتے ہیں اس پر۔ بے شک دھتکار رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا اجر محفوظ ہو جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ نماز ایسی پڑھ رہی ہیں کہ آپ کو، آپ کی نماز دیکھنے والے کو اتنی اٹریکٹ نہیں کر رہی، مثلا آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے یا دیگر کچھ مسائل ہیں، لیکن آپ کی نیت پوری خالص ہے اور آپ متوجہ اللہ ہیں، تو وہ جناب اس میں کوئی کمی والی بات نہیں ہے۔ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی نیت کس کیسی ہے، اور آپ کے اعمال کا اجر آپ کی پرفارمنس پر نہیں ہے، اعمال کی پرفارمنس پر، یہ نص ہے حدیث صحیح کی، اجر نیت پر ہے پرفارمنس پر نہیں ہے، اجر نیت پر ہے پرفارمنس پر نہیں ہے۔ اب سن لیجئے دو تین مثالیں اسی حدیث میں، ابو اگر مگر اگر آپ نیت کریں کسی چیز کی اور آپ وہ نہ کر پائیں، اس پہ بھی میں نے بات، میں بتا دیتا ہوں، وہ بھی ابھی بتا دیتا ہوں، چلیں آپ ذرا پریشان ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی بندہ نیت کرتا ہے اچھے کام کی اور وہ نہیں کر سکتا، تو اس کا ایک اجر لکھا جاتا ہے، اور اگر کر دیتا ہے تو 10 اجر، اور اگر ایک غلط کام کی نیت کرتا ہے اور نہیں کرتا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، کر دیتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے، میں بتاتی ہوں میرا مطلب اس سے کیا تھا۔ مطلب بتائیے، کبھی کبھی آپ نیت کرتے ہیں کسی چیز کی، جیسے کہ آپ نیت کرتے ہیں کہ جی اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ چیز ضرور کروں گی، اور انسان کے کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتا ہے، انسان کبھی بھول جاتا ہے، تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تمہارے پہ یہ عذاب آ جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر نیت کی ہے اور وہ چیز پوری نہیں کرتے۔ پلیز یہ بتائیں، یہ نیت اور نظر الگ چیز ہے نا، آپ نظر کو نیت کے ساتھ مکس نہ کریں۔ نظر نہیں کہ آپ، میں نے نیت کی کہ میں نے دیگ دینی ہے، بیسک، بڑا بیسک سا ایگزامپل دے رہی ہوں کہ فلاں میرا کام ہو گیا تو میں دیگ ضرور دوں گی، اب میرے ذہن سے نکل گیا، میں بھول گئی، کیا مجھے سزا ملے گی؟ کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نے اچھی نیت کی، ایک اس کا اجر آپ کو مل گیا، اگر آپ وہ کر دیں گی تو 10 اور اجر شامل ہو جائیں گے، آپ بھول گئی، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، گناہ صرف نظر کا ہے کہ آپ نے نظر مانگنی، منت مانگی کہ میں، ٹھیک ہے نظر، اچھا اوکے، اچھا میں وہ عربی والا، منت آپ نے مانگنی اور وہ نہ کیا، اس کا گناہ ہے اور اس کی جواب دہی ہے، نیت کی نہیں ہے، نیت اچھے کام کی، اور بلکہ حدیث میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یہ آپ کے سوال کا جواب، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، وہ سوچتا زیادہ ہے، کر تھوڑا سکتا ہے، یہ مومن ہے، اور منافق کا عمل زیادہ ہوتا ہے، نیت تھوڑی ہوتی ہے، تو لہٰذا مومن کی نیت بڑی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، کر تھوڑے سکتا ہے، تو یہ مومن کی نشانی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ نماز جو ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، میں سوری، میں کسی کو ناراض یا اپسیٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن نارملی نماز نہیں پڑھتے، لیکن جب 10-15 لوگ بیٹھے ہوں گے تو کہیں گے او ہو نماز کا وقت ہو گیا، میں ذرا نماز پڑھ، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شرک خفی ہے، اس کا کیا، اس میں اب نماز تو پھر نہیں پڑھی ہے، بالکل کوئی نہیں، نماز ادا ہی نہیں ہوئی، یہ تو منہ پہ مار دی جاتی ہے، حدیث پاک میں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی نے نماز پڑھی کسی اور کی رضا دکھاوے کے لیے، آپ تو پڑھنے کی بات کر رہی ہیں، میں ایک اور مثال دوں حدیث میں، کہ اگر کسی نے نماز طویل کی، کوئی پڑھ رہا ہے، کسی نے دیکھ لیا اور احساس ہوا کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے، اور نماز لمبی کر دی، وہ بھی اس کے منہ پہ مار دیا، اللہ فرماتا ہے وہ اتنا حصہ میرے لیے نہیں ہے، وہ نکل گیا، وہ تو اس کے لیے تھا، تو وہ وہی اجر دے گا، میں نہیں دوں گا، میں اتنا اجر دوں گا جتنی میرے لیے پڑھی۔ اچھا، آپ مثال سمجھ لیجئے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں ایک مثال بیان ہوئی ہے، بندہ آرام سے سمجھ جاتا ہے، ہجرت ہوئی، تمام لوگ مسلمان ہجرت کر رہے ہیں مکہ سے مدینہ، ایک شخص اس میں ہجرت کرتا ہے، ہزاروں شخص ہجرت کرتے ہیں، حدیث میں آیا اس ایک شخص کی ہجرت کی اور سب نے ایک جیسا کام کیا، مکہ سے ہر شے چھوڑی، گھر، مال، باپ، سباب، سب کچھ، مدینہ پہنچ گئے، تو حضور سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ اتنے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس میں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو ہجرت اس لیے نہیں کر کے آیا کہ اللہ کا حکم تھا، بلکہ اس کو موقع نہیں مل رہا تھا، اور مدینہ میں ایک عورت تھی، وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تو اس کو ایک اچھا پورا جمع غفیر آ رہا تھا، اس کو موقع ملا، وہ بھی ان میں آ گیا، کیا وہ اجر میں ہمارے برابر ہے؟ حضور نے فرمایا جو ہجرت عورت کے لیے ہجرت کر کے آئے اس کا اجر عورت ہے، وہ عورت اس کو دے گی، جو اللہ کے لیے ہجرت کر کے آئے اس کا اجر اللہ کی طرف ہے، اللہ اس کو اجر دے گا، ایک ہی کام ہے، اس میں کوئی، سب کچھ برابر ہے، ٹھیک ہے، کھڑکی ہے، حدیث میں ہے، کھڑکی صحابی نے، حضور نے پوچھا کیوں رکھوائی، انہوں نے کہا جی ہوا کے لیے، حضور نے فرمایا اگر نیت میں یہ بھی داخل کر لیتے کہ اذان کی آواز آتی ہے تو جب تک یہ کھڑی ہے نیت ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ نے میاں بیوی کو خرچہ دینا ہوتا ہے، بیوی نے شوہر کو کہ نہیں، اگر نیت یہ کر لیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، صرف اتنی نیت کر لیں،
फरमाया हर लुकमे पर जो बीवी के मुंह में डालोगे, एक तो बीवी के मुंह में डालना सुन्नत है, ये इसके अंदर है बुखारी के अंदर। दूसरा फरमाया कि हर लुकमा जो बीवी के मुंह में अंदर डालोगे उसका अजर भी अल्लाह की तरफ से लिखा। वाह वाह। तो प्रॉब्लम यह है कि आप एक अब मेडिकल अपना जो मॉडर्न साइकोलॉजी है आप इसको पढ़ें, बर्टन रसल्स को पढ़ें, उसने इस पर माई साइकोलॉजिकल डिवेलपमेंट में पूरा उसने फिलॉसफी दी है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं अच्छी नीयत के साथ तो ऐसी वाइब्स निकलती हैं जो आपके जिसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। नहीं मैं अब एक और बदनीयत, बदनीयत लोग भी तो होते हैं ना, हर वक्त दूसरे का बुरा सोच रहे होते हैं कि मतलब फलां जगह पे चलो फलां के फंक्शन को अटेंड करेंगे, वहाँ पे जब जाती हैं जाएंगे तो आगे से जो खातून है उसको कहेंगे हाय इतनी मोटी हो गई हो क्या हुआ है तुम्हें, और हर मौका ढूंढेंगे अगले का दिल खराब करने के लिए। अब दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आए हैं अगले का फंक्शन अटेंड करने के लिए, अगली की खुशी में शामिल होने के लिए, लेकिन खुशी में शामिल होकर बदनीयती और नेगेटिविटी का मुजाहरा करेंगे, ऐसे लोगों के लिए सज़ा क्या है? ये वही सज़ा है ऐसे लोगों के लिए कि उनका जाहिर तो ये अमल शो कर रहा था कि वो किसी फंक्शन में ऐसे अटेंड करने आए, लेकिन वो हकीकतन किसी बोतान के लिए, किसी की ताना के लिए, किसी की टॉर्चर करने के लिए, टॉर्चर करने जिल्लत के, किसी को जिल्लत देने के लिए, किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए आए हैं, तो वो उसी कैटेगरी में होंगे, जिल्लत देने वाले, इल्ज़ाम लगाने वाले, गुनाह कबीरा में होंगे। और फाइनल क्वेश्चन नीयत से रिलेटेड, डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा किसी ने, डॉक्टर बन गए, अब उसूलन डॉक्टर बनने के पीछे नीयत तो यही होनी चाहिए कि लोगों की खिदमत करें, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत बड़े लोग होते हैं, वो एक तरह से अल्लाह के वसीले होते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार होते हैं, उनको उनकी आदत उनके इलाज के लिए। लेकिन डॉक्टर बन गए, पेशेंट आ रहा है, अब आप सिर्फ एक घंटे में 10 पेशेंट मुकाने के चक्करों में हैं ताकि आप अपनी इनकम को बढ़ा लें, और आप पेशेंट्स को भी सही तरह नहीं देख रहे, तो क्या ये भी बदनीयती में नहीं आता? डिसऑनेस्टी की एक सूरत है, बदनीयती की कई सूरतें आप कह सकते हैं, उसमें डिसऑनेस्टी की एक सूरत है कि आपने एक जो अपना गोल तय किया था उसके पीछे खास नीयत रखी थी, लेकिन जब आपका गोल अचीव हो गया तो आप अपनी नीयत से दस्तबरदार हो गए, इसका मतलब यह है कि आपने अल्लाह को धोखा दिया, और आवाम को तो धोखा दे ही रही हैं, लोगों को धोखा दे रही हैं, तो ये एक तरह का अल्लाह ताला को तो आप धोखा नहीं दे सकते ना, उनके सामने तो सब कुछ सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जो खादिउन अल्लाह कुरान कहता है ये कोशिश करते हैं कि अल्लाह को धोखा नहीं दे तो नहीं सकता कोई भी धोखा। अच्छा फाइनली आप हमारे व्यूअर्स को जुम्मे का दिन है पॉजिटिव नोट पे क्या हमारे व्यूअर्स को कहना? देखिए जी मैं तो यही गुजारिश करूंगा और मैं ख़ुद को भी यही समझाता रहता हूं, आप अपने आप को भी समझाएं, इमाम गजाली कहते हैं कि शैतान का सबसे बड़ा हमला ये होता है कि बंदा ये समझ ले कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं लोगों की इसलाह करूंगा, तो सबसे पहले तो हमें से हर बंदे को ख़ुद अपनी इसलाह करनी है, ये बड़ी ज़रूरी है, उसके बाद दूसरों को। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर पॉजिटिव हो जाए ना, तो मैंने इस चीज़ के अंदर इतना इत्मीनान देखा है, इतना इत्मीनान किसी शय में नहीं। आप पॉजिटिव हों, बाज़ चीज़ें आपको नेगेटिव होती नज़र आएंगी, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको लगेगा कि आपको ज़ाहरी तौर पे कुछ नुकसानात हो रहे हैं, कुछ इल्ज़ामात लग रहे हैं, आप उनको विद अपना प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन तवक्कुल करें, अर्चा छोड़ दें, और एंड पे आप देखिएगा उस पॉजिटिविटी आपको कहाँ से कहाँ ला के खड़ी कर देगी। अपने आप को इसमें ना उलझाएँ कि एक गलत बंदा कर रहा है, आपको उसके बदले के लिए गलत होना पड़ता है, आप कहें जी उसने किया इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो ये आपके पास जवाब नहीं है, उसने किया आपने अपना करना है, तो पॉजिटिव रहें। देखिए रिस्क अल्लाह ने देना है, मौत अल्लाह ने देनी है, किसी बंदे के हाथ में नहीं है, ये दो चीज़ें जिसका लोगों को डर होता है, तो फिर है किस किस चीज़ के लिए हम अपना सारा का सारा मतलब देखें ना रोले लोगों के, और हमने गीबत चुगली बदनीयत अपने कंधों पर डाली हुई है, हासिल असूल क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी देखिए हम 20-20, 25-25, 40-40 साल गुजार के बैठे हैं, क्या हमने किसी का क्या कर लिया, तो अगला भी ऐसे गुजर जाएगा, लिहाजा बी कमिटेड के आज के बाद हम बदनीयत नहीं होंगे, जो भी नुकसान होगा वो बैठा पूरा करने वाला, बस इस पे थोड़ा कमिटेड होने की जरूरत है, आहिस्ता आहिस्ता फिर दरवाजे खुल जाते हैं। थैंक यू सो मच अली भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Ah
सुभान अल्लाह, जजाक अल्लाह मेरे भाई, क्या खूबसूरत आपने समा सेट किया। आइए अब बढ़ते हैं कोलगेट की तरफ। जी हाँ, जैसे कि आपसे वादा किया, कोलगेट की बारी आ गई। और जब कोलगेट स्पार्कल की बात करते हैं तो तहाइफ ही तहाइफ होते हैं। आज हमने अनाउंस करने हैं गिफ्ट हैम्पर्स। मेरे पास लिस्ट है ऑफ अ फ्यू नेम्स, उनकी तस्वीरें आपके साथ शेयर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कोलगेट स्पार्कल, जो दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है जिसमें फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर तीनों चीज़ें शामिल हैं जो इसे एक एब्सोल्युटली अमेजिंग पेस्ट बनाती हैं। हमने इससे रिलेटेड आपसे एक चैलेंज आपके साथ शेयर किया कि भाई आपने कोलगेट स्पार्कल के साथ कोई तस्वीर हमारे साथ शेयर करनी है, और जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग तस्वीर होंगी उनमें से कोई दो लोग जो हैं वो जीतेंगे कोलगेट स्पार्कल का ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर। सो आपने भी कोलगेट स्पार्कल का ज़रूर इस्तेमाल करना है और हमारे साथ अपनी फीडबैक भी शेयर करनी है और साथ साथ तस्वीर भी शेयर करनी है। वो कैसे कर सकते हैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, बट आइए देखते हैं जो हमारे पास पिक्चर्स आई हैं। मोहम्मद हसनैन की तस्वीर हमारे पास है, आइए देखते हैं मोहम्मद हसनैन को। श्विति पाई, शो क्यूट, मैं सदके। अच्छा, फिर मोहम्मद आजान
की भी तस्वीर हमारे पास है, मोहम्मद अजान की पिक्चर को अब हम देखेंगे। अभी इन पिक्चर्स में से हमने ऐश्वीत मैं सदके जाऊं आपके एंड अहमद अली ने भी अपनी तस्वीर हमारे साथ शेयर की है। अहमद अली को देखते हैं, चिची पाए क्यूट। वैसे कोई भी बड़ा हमारे साथ तस्वीरें नहीं शेयर कर रहा, सारे बच्चे बच्चे शेयर कर रहे हैं, कोई बड़े भी शेयर कर लें। अब्दुल्ला ने भी पिक्चर हमारे साथ शेयर की है, क्यूट। एक तो जो फिल्टर्स लगा के माँ बाप अपने बच्चों की तस्वीरें खींच लेते हैं ना, रंग बिरंगे फिर बच्चों के वो हो जाते हैं, बट माशाल्लाह अब्दुल्ला बड़ा प्यारा बड़ा क्यूट बच्चा है। एंड देन सुभान ने भी तस्वीर शेयर की है, स्वीट। टूथब्रश सामने है लेकिन दांत फिर भी नजर आ रहे हैं, पता चल रहा है कि कितनी बड़ी दंदियां निकली हुई हैं हमारी। तो भाई विनर्स के नाम अनाउंस करते हैं। कोलगेट स्पार्कल की तरफ से ये बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर किस किस को मिलेगा? तो मेरे ख्याल से एक हमारे विनर हैं मोहम्मद आजान। मोहम्मद आजान की बड़ी क्यूट पिक्चर है और भाई सुभान की भी बड़ी ही क्यूट तस्वीर थी एंड में, मतलब इतनी बड़ी स्माइल कि वो ब्रश सामने है लेकिन नज़र आ रहा है कि कितनी एक्साइटमेंट वाला जो है ये पिक्चर है। सो ये दो हमारे विनर्स हैं, मोहम्मद आजान एंड सुभान। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आप जीतेंगे कोलगेट स्पार्कल की तरफ से ये बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर। चलिए जी, अब आपने भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करनी है अपनी पिक्चर्स ताकि आप भी इन गिफ्ट हैम्पर्स के विनर बन सकें। 03209463502 पे आपने शेयर करना है। और अब चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जब हम अपने शो के आखिरी मरले की तरफ आ जाते हैं तो आपको पता है इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि एन फ्रेंच। अब एन फ्रेंच है क्या? ये एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके गैर ज़रूरी बाल विदाउट एनी पेन, किसी दर्द शद किसी इशू के बगैर बड़े आराम से रिमूव कर देती है 3 से 6 मिनट के अंदर। इसके साथ साथ इसमें एक बहुत ही अमेजिंग सा बहुत प्यारा सा फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, यानी कि रोज़ की इसके अंदर खुशबू है जो ऑब्वियसली आपकी नर्व्स को भी काम करती है। और वो जो 3 से 6 मिनट का टाइम होता है वो झटपट गुजर जाता है। अब 3 से 6 मिनट का टाइम क्यों? क्योंकि व्यूअर्स डिपेंड करता है कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी थिक है। अगर लाइटर हेयर हैं तो 3 से 4 मिनट भी हो जाते हैं, ज़रा थिक बाल हैं तो मैक्सिमम 6 मिनट के अंदर आपको टोटल हेयर रिमूवल मिल जाता है किसी भी पेन के बगैर, यानी कि कोई भी दर्दनाक एक्सपीरियंस। जैसे कि आजकल सैलॉन या पार्लर जिसको हम कहते हैं आप जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है, उसके बाद फिर स्किन भी ड्राई हो जाती है। अब एन फ्रेंच की सबसे अमेजिंग क्वालिटी ये है कि हेयर रिमूव होने के बाद आपकी स्किन 2 गुना ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर्स हैं, बेबी ऑयल है, इसकी फॉर्मुलेशन बड़ी अमेजिंग है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, बहुत जेंटल है आपकी स्किन के ऊपर, साथ साथ मॉइस्चराइज भी कर देता है एंड स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी हो जाती है। सो आप भी एन फ्रेंच का ज़रूर इंतखाब कीजिएगा। एन फ्रेंच बाय द वे लोशन एंड क्रीम फॉर्म दोनों में अवेलेबल है और साथ में उसका जो छोटा वाला टिकी पैक है ये भी अवेलेबल है। सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 20 सेकेंड की वीडियो आप लोगों ने बनानी है और हमारे साथ शेयर कर ताकि एन फ्रेंच का इस तरह का गिफ्ट हैम्पर आप भी जीत सकें। उसके लिए किस किस्म की वीडियो बनानी है आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ उसकी ग्लिम्पसेस। एंड फ्रेंच इसके बेबी ऑयल्स और मॉइस्चराइजर्स बनाए स्किन 2 times सॉफ्टर एंड स्मूथ। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। यही तो हम कहते हैं, यही तो एंड फ्रेंच कहता है। और इसी किस्म की वीडियो आपने कहते हुए बनानी है और आप जीत सकते हैं एंड फ्रेंच की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। 03209463502 पे आप वीडियोस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। जी हाँ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज ज्वाइन करने का। आपके हमनफा आपके साथ ही हमारे साथ हैं, हमारे लिए बड़ा ऑनर है। और शेरी, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू। आप तो तुम्हारा शुक्रिया करते हुए भी अजीब लगता है, तुम तो हो ही हमारी फैमिली का हिस्सा। और फातिमा आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। यू आर सो माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड, अल्लाह आपको मजीद और कामयाबी दे। भैया क्लोज, आपने कुछ स्पेशल हम लोगों के लिए आज तैयार किया है? जी बिल्कुल, मेरा सॉन्ग है जो
पूरे पाकिस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सुना जा रहा है, टिकटॉक पे भी काफ़ी लोग उसको बना रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो पेशे खिदमत है। चलिए तो इसको सुनते सुनते हम आज का प्रोग्राम क्लोज करेंगे। अल्लाह करे कि हम सब का वीकेंड खुशगवार और पॉजिटिव गुजरे। आप सब ने हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करना है। ओवर टू यू भैया।